हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक नई कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज आया था जिसमें एक कविता लिखी हुई है और उस कविता को मैं पढ़ना चाहता हूँ। कविता मराठी भाषा में है और मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपको बताना चाहता हूँ। तो कविता का टाइटल जो है, नाम जो है उसका, आत्मनिर्भर भारत इस तरह का है। तो मैं कविता मराठी में पढ़ता हूँ, उसका अनुवाद जो है हिंदी में करके आप लोगों को सुना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है कविता तो आप मुझे इस वीडियो को, ऑडियो को सुनकर जो है लाइक शुरू करना और इसे पूरा देखना। तो चलो ये शुरू करते हैं, आत्मनिर्भर भारत कविता। जिसने भी भेजी है उसने सोच समझ के लिखा होगा और उस कविता को पसंद आने के बाद लोगों ने एक दूसरे से साझा किया। वो कविता मुझ तक पहुंच गई है और मुझे भी अच्छी लगी, तो मैं चाहता था कि इसे आपको भी सुना दूं, इसलिए मैंने ये ऑडियो को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठी में है, आप मराठी समझ नहीं पाते हैं तो मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कविता कुछ इस प्रकार है। पहला ध्रुपद है, महागाई वाढवा भराभर, देश होईल आत्मनिर्भर, गगनाला भिडवा गॅसचे दर, चवदार भाकरी चुलीवर। तो कुछ इस प्रकार का पहला ध्रुपद है और इसमें ये कहना चाहते हैं कवि कि जो सरकार आज की मौजूदा सरकार है और पिछले जब वो एक दौर था, पिछला दौर था, वहाँ पर 5 पैसे 10 पैसे भी अगर महंगाई बढ़ती तो लोग रास्ते पे उतर कर आंदोलन किया करते थे। लेकिन आज की जो सरकार है ये 5 पैसे 10 पैसे नहीं बल्कि 10 रुपये 20 रुपये से शुरू करती है और थमने के नाम नहीं लेती। और उसी प्रकार ये पहले ध्रुपद में बताया गया है कि जो अब के स्थिति में, देश की स्थिति में जो भी है, आज जो भी महंगाई बढ़ रही है वो बहुत ज़ोर शोर से और जल्दी जल्दी में बढ़ रही है और इससे हमारे देशवासी इस महंगाई से तंग आकर अब आत्मनिर्भर होने की कोशिश में लगे हैं। आप जो रसोई का गैस का सिलेंडर का जो दाम है आप देख सकते हैं, उसको लेकर कहा है कि इस प्रकार अगर आप दाम बढ़ाएंगे, महंगाई लाएंगे, तो लोग जो है अब पहले ज़माने में चले जाएंगे। जैसे पहले चूल्हे चक्की पे रोटियां बन जाती थी और वही रोटियां खाकर लोग खुश रहा करते थे, आपकी दौर में भी यही स्थिति आने वाली है, ये कहना चाहते हैं। अगला ध्रुपद है, घर भर होईल धूरच धूर, डास पळतील दूर दूर, लागणार नाही मच्छर मॅट, आत्मनिर्भरतेची हीच वाट। जो चूल्हा है, चूल्हे का जो धुआं निकलता है, वो धुआं जब घर भर में फैलता है तो उससे क्या होता है कि घर में जो मच्छर होते हैं वो मच्छर चले जाते हैं और मच्छर चले जाने के वजह से जो है हमें मच्छर भगाने के लिए जो कॉइल्स मशीन्स या फिर वो मच्छर मारने वाली मैट वगैरह इस्तेमाल करते थे, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अब हमें करना नहीं पड़ेगा और हम फिर एक बार इस धुएं की, वो सारी चीज़ों को खरीदने के सिवाय इस तरह का धुआं हम घर भर करेंगे और मच्छर भगाएंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे, इस तरह का वाक्या यहाँ पर इस ध्रुपद से पता चल जाता है। तो अगला ध्रुपद है, तेलकटाने आजार वाढले म्हणून तेल इतके चढले, कशाला हवी डॉक्टरची भेट, वाढणार नाही तुमचे वेट। तो यहाँ पर कहा गया कि अब खाने का मीठा तेल जो है, जो खाने का रसोई का तेल है, जैसे सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल आदि जो भी हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन तेलों के दाम आज जिस प्रकार के बढ़ चुके हैं तो उस तरह के उन दामों को लेकर अब हम कटौती कर रहे हैं खरीदने में। कम से कम इस्तेमाल करो, कम से कम वज़न बढ़ाओ, कम से कम बीमार पड़ो और कम से कम डॉक्टर के पास जाकर अपनी इलाज कम से कम कराओ। और इस तरह से हम हमारे आहारों में नियंत्रण पाते हैं और हम नियंत्रण पाकर आत्मनिर्भर बन जाते हैं, अपने ही बीमारियों का इलाज हम खुद कर लेते हैं। अगला ध्रुपद है, लहान मोठे मोबाइल वर सारे, जगाला लागले ऑनलाईनचे वारे, म्हणूनच वाढले नेटचे भाव, शेती निसर्गाला देतील वाव। तो इसमें कहा गया है कि आजकल जो नया दौरा है 21वीं सदी का, डिजिटल युग, हमारा देश डिजिटल हो रहा है, ग्राम पंचायत हो या बच्चों के स्कूल हो, सब कुछ मोबाइल पे शुरू है।
तो इसको देखकर जो है मोबाइल का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल अब आम बात होने लगी है। इसे देखकर जो है मोबाइल कंपनियां, नेटवर्क कंपनियां जो हैं अपने दाम बढ़ाने लगे हैं, जिसके वजह से आम जो जनता है, वो लोग हैं जिनको ये सब महंगाई बर्दाश्त नहीं होती, तो ये सब लोग क्या करेंगे कि अब इसका इस्तेमाल भी अब कम से कम करने लगेंगे। दुनिया की खबरें कम देखेंगे, दुनिया को कम जानेंगे और फिर से पहले जैसा, पहले की तरह खेती और कुदरत के माहौल में घूमना फिरना पसंद करने लगेंगे और इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे और अपने आप को, बजट को संभालते हुए, अपने जेब को संभालते हुए वो अपना आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अगला ध्रुपद है, पेट्रोल डीजल वर पळायचे किती, वेगाने धडकेची वाटते भीती, सायकल घोडा जुनेच वाहन, आत्मनिर्भर मेरा भारत महान। तो जिस प्रकार इसमें यहाँ पर भी कहा गया है कि देश में जो पेट्रोल डीजल गैस बिजली के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाली चीज़ें हैं, जिनकी दाम बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और आम इंसान को इन सारी परेशानियों का, इन बढ़ती हुई दामों की वजह से जो तकलीफ़ पहुंच रही है, उस तकलीफ़ को इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है अब। और वो क्या करेगा कि अब पुराने ज़माने में लौट जाएगा, जैसे साइकिल प्रदूषण विरहित, और पेट्रोल वगैरह खरीदेगा नहीं। अब जब खरीदेगा नहीं तो पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो वो आत्मनिर्भर बन जाएगा, अपने आप ही वो खुद की जिम्मेदारी को समझ लेगा, कम से कम खर्च करेगा और अपनी ज़िंदगी का बसरा खुशी खुशी कर लेगा। फिर से एक बार वो साइकिल चलाएगा, घोड़ा गाड़ी चलाएगा और इस तरह से वो आत्मनिर्भर बनेगा और अपने देश को महान बनाएगा। तो अगला ध्रुपद है, जुने ते सोने आठवा काल, सरकार वर नको महागाईचा आळ, आपण ही धुतले गंगेत घोडे, महागाईसाठी सारेच वेडे। तो इस ध्रुपद में कहा गया है कि पुराना ज़माना जो है याद करो, तब भी हम खुश थे जब महंगाई नहीं थी, जब सस्ताई का ज़माना हुआ करता था, 5 पैसे 10 पैसे का ज़माना हुआ करता था, तब हम खुश रहा करते थे। आज के दौर में 5 पैसे 10 पैसे तब देखने को भी नहीं मिल रहे और महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो हम जो है सरकार को दोष देकर क्या करेंगे, क्योंकि सरकार तो हम ही नहीं चुनी है, और हम सरकार वही करेगी जो उसे पसंद आता है, उसे जो करना चाहिए वो वही करेगी, और हमें ही नसीहत देगी कि आप लोग ऐसा करो। अब परसों का एक वाक्या है, लोग रोज़गार मांगने लगे, युवा रोज़गार मांगने लगे, नौकरियां मांगने लगे, तो कहा गया कि आत्मनिर्भर बनो, पकोड़े तलो, पकोड़े बनाओ, तो इस तरह की बातें होने लगी। तो हम सरकार से उम्मीद रखना, उनसे सरकार को अपनी डिमांड करना, ये सारी चीज़ों को जो है बंद करके हमें जो है आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि हमारी ही चुनी हुई सरकार होती है, हम उसे दोष देकर कुछ नहीं करते, हमारे ही दांत होते हैं, हमारे ही वोट होते हैं, तो हम किसे क्या बुरा कहेंगे। और महंगाई को लेकर सारे के सारे ढोल पीटने लगते, बहुत महंगाई बढ़ गई क्योंकि, और हम ही ऐसी सरकार को चुन कर देते हैं। ये सब कुछ कहना चाहते हैं कवि इस कविता के जरिए, और कविता के कवि का नाम मुंजा भाऊ कुटे हैं, जिसने ये कविता लिखी है और वो कविता फॉरवर्ड होते होते मुझ तक पहुंची है। कविता कैसे लगी इन कवि की, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये कविता अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाने के लिए सहकार करें, इसे शेयर भी